नमस्कार किसान दोस्तों, निम्बाकर ड्रैगन फूड फार्म और नर्सरी में आपका स्वागत है। तो अब इधर हम देखने जा रहे हैं सी वराइटी जीआई पाइप ट्रेलिस सिस्टम और सी वराइटी का ग्रोथ और उसका डिटेल्स। तो इधर आप देख सकते हो ये जीआई पाइप इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ा बात करेंगे, उसके बाद सी वराइटी और उसका ग्रोथ पे बात करेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ये जो है और रनिंग पाइप है जो ये साइड वाला वो 1.5 इंच है और बीच वाला है वो 1 इंच है, हाइट वाला जो है वो भी 1.5 इंच है। तो ये जी आई पाइप का स्ट्रक्चर है। हर एक टी 30 फीट के बाद में आप यहाँ से देख सकते हो ये दो पोल का दूरी है 10 फीट, 10, 20 और 30 में हर एक और एक टी है। दोनों लाइन का दूरी है 10 फीट, दो पोल का डिस्टेंस है 10 फीट। तो आप इधर देख सकते हो सी वराइटी और ये जी आई पाइप ट्रेली सिस्टम। तो आप इधर देख सकते हो सी वराइटी का प्लांट्स और उसका ग्रोथ, ऐसा आप देख सकते हो। 4.5 महीने का प्लॉट है। मई के फर्स्ट वीक में हमने ये प्लॉट लगाया था, जो कि उस दिनों में ज़्यादा तो किसान प्रेफर करते हैं कि उन दिनों में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, पानी का रिसोर्स कम रहता है। लेकिन हमारे इधर पानी का रिसोर्स था, इसलिए हमने इसका प्लांटेशन मई के फर्स्ट वीक में किया है। आज तारीख है 21 सितंबर, 21 सितंबर डेट है। तो इसमें अभी ये 4 महीना और ऊपर 15 दिन हो चुके हैं, तो 4.5 महीने का प्लॉट है। आप इधर देख सकते हो हर एक प्लांट को, हर एक पौधे को फ्रूट, चार चार इधर फ्लावर्स आ चुके हैं। आप इधर देख सकते हो चार चार, किधर दो किधर एक। 4.5 महीने में सी वराइटी का प्लांट को उसका फ्रूटिंग आ चुका है। हम इधर दिखा सकते हैं, आप देख सकते हो इधर हर एक प्लांट को एक एक दो दो फ्रूट्स निकल चुके हैं। इस लाइन में इधर भी देख सकते हो पूरा प्लांट सी वराइटी का है, उसका ग्रोथ। और आप इधर देख सकते हो ये जो पाइप से बाहर जो निकला है, जो कि हमको स्टेम्स चाहिए वैसा ही, तो उसमें से ये इधर बाहर आकर उसको 3-4 फीट बाहर 4 फीट से 3 फीट उधर हो चुका है। ये जो पोल है इसका 8 फीट हाइट है, 8 फीट मैं बोल रहा हूँ, 8 फीट, जो कि ये है काली मिट्टी है, मिट्टी जो है वो काली है, इसलिए हमने ज़्यादा हाइट के पोल रहे और नीचे 2.5 फीट के आसपास अंदर जा चुके हैं, तो 5 फीट 5.5 फीट ऊपर रह चुके हैं। तो आप इधर देख सकते हो उसका ग्रोथ, इधर जिधर बेंड हो चुका है इधर उसका बड्स, समझ लो आपके इधर आप काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऐसे 12, 14 बड्स एक जगह पे निकल चुके हैं। पूरा हर एक प्लांट को फ्लावर निकल चुका है। आप इधर देख सकते हो इधर फ्रूटिंग स्टेज, यानी 4.5 महीने में ही इसको इधर फ्लावरिंग के बाद ये फ्रूटिंग बन चुका है 15 दिन में। तो 4.5 से 5 महीने में इधर सी वराइटी को फ्रूटिंग शुरू हो गया है। ये जो फ्रूटिंग और फ्लावरिंग स्टेज वो मौसम पे निर्भर रहता है, जो कि हम बोल सकते हैं कि जो मृग नक्षत्र हम बोलते हैं उसमें जो पहला बारिश जब हो जाता है और उससे जो हमारे प्लांट से वो जो उससे गीले हो जाते हैं, उस जब वो नहाते हैं नहलाने के बाद उसमें वो बडिंग और फ्रूटिंग शुरू हो जाता है। दोस्तों इसी तरह ड्रैगन फ्रूट के बारे में नई नई जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बाजू में दिया हुआ घंटी का आइकॉन प्रेस करें। धन्यवाद।